अस्सलाम वालेकुम। इस ये सेकंड वीडियो है जो हमारा मिड टर्म होना है, इस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो एक सवाल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आए कि डिजाइन अब मिले मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ओवर अल्फाबेट जीरो कॉमा वन, ठीक है। तो इसकी मील वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर जीरो इन, अगर फॉर एग्जांपल 010 इनपुट हो तो मशीन क्या आउटपुट करे, वन जीरो वन, ठीक है ना, बिट्स को फ्लिप कर दे, ठीक है। तो इसकी जो मिले मशीन है वो कैसे बनेगी, इसमें सिर्फ एक ही स्टेट होगी, या मैं इसको साइज कर लेता हूं, एक ही स्टेट होगी, ठीक है ना। इसको हम क्यू नॉट कह लेते हैं, ठीक है, और ये स्टार्ट स्टेट है और इसमें अगर आपका जीरो इनपुट हो तो वन आउटपुट दे दे, और अगर वन इनपुट हो तो आउटपुट क्या करे, जीरो, ठीक है। मीले मशीन में जो आउटपुट होती है वो ट्रांजिशन में होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की मीले मशीन एक ही स्टेट की होगी, और वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि बिट्स को फ्लिप करना, ठीक है। अच्छा, अब जनाब फॉर एग्जांपल आपका कोई सवाल है एग्जाम में कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कोई भी ग्रामर, ठीक है ना, सी एफ जी इज डैश टपल्स। तो ये आपको शायद क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हर सी एफ जी के चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट सिंबल होता है, टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और सेट ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं। ये चारों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, ये चारों पार्ट्स हर सी एफ जी की डेफिनेशन में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो सी एफ जी इज क्या, जो टपल होगी उसका साइज क्या होगा, फोर टपल, ठीक है ना, इसके टपल में फोर आइटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक अगर आपका क्वेश्चन कोई एग्जाम में है, अ ग्रामर कैन डिराइव स्ट्रिंग इन हाउ मैनी वेज, ठीक है। एक स्ट्रिंग को आप और फॉर कैन नेम देम, एक स्ट्रिंग को आप किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को आप ग्रामर के थ्रू, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, और ठीक है ये हाउ मैनी है,
और दूसरा कौन सी क्या होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है टू, और दो तरीके कौन से हैं, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। अच्छा अब जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपके पास और टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, वो है NFA DFA कन्वर्जन। ठीक है, क्लास में भी मैंने आपको ये डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं NFA टू DFA कन्वर्जन की। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं न्यू फाइल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का एक NFA है, ए और छोटी एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि बस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज कराने के लिए, वरना ऑब्वियसली एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा। एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएगी वो इससे कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा चांस यही है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, लेट्स मेक इट क्यू नॉट एंड देन मेक दिस थिंग एज क्यू वन। ठीक है, यहां पे आपका है ए और ये आपकी नल स्टेट है। ठीक है, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, एन एफ ए टू डी एफ ए, हमें NFA दिया हुआ है, हमें DFA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा NFA क्यों है, क्योंकि इसमें देखें A के दो एजेस निकल रहे हैं, Q नॉट में से A का एक ही एज निकल रहा है, तो ये अलाउ नहीं होता DFA में, और इधर से कोई भी एज नहीं निकल रहा Q1 से, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। DFA में हर स्टेट में से दो एजेस निकलना जरूरी होते हैं, तो हम चले वर्जन शुरू करते हैं अपना। हम अच्छा इसमें हमें क्या टेबल बनाना होता है, ठीक है टेबल हम बना लेते हैं, और टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, टेबल ही काफी होता है, जरूरी नहीं है आप डायग्राम भी बनाएं, टेबल इज इनफ। ए एंड यू हैव गॉट अ बी। अच्छा अब जनाब आपके पास क्या है, क्यू नॉट है और ये आपकी स्टार्ट स्टेट है। क्यू नॉट से ए के जरिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्यू नॉट पे जा सकते हैं और Q1 पे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने क्लास में किया था, रिवीजन है। और क्यू नॉट से हम बी के जरिए कहां जा सकते हैं, हम जा सकते हैं क्यू नॉट पे। ठीक है, अब हमारे पास एक नई स्टेट आ गई क्यू नॉट क्यू वन, अब हमें इसको भी ट्राई करना है, और चूंकि इसमें क्यू वन भी है और क्यू वन फाइनल है, तो इसलिए हमारी ये क्यू नॉट क्यू वन स्टेट है, ये भी फाइनल ही होगी। ठीक है, अच्छा ओके
क्यू नॉट क्यू वन से आप ए पे, ए के जरिए आप कहाँ चले जाएंगे, ए के जरिए आप कहाँ जाएंगे, क्यू नॉट क्यू वन पे जाएंगे। ठीक है, क्यू वन पे जाएंगे। अच्छा ये जो है मैं थोड़ा सा कर दूं, ये बेसिकली नॉट है। ठीक है, अच्छा क्यू नॉट क्यू वन से आप बी के जरिए कहाँ जाएंगे, क्यू नॉट पे जाएंगे। तो अब ये डायग्राम आपका, ये आपका, अब चूंकि आपको कोई नई स्टेट नहीं मिली है इसलिए बस आप यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। इसका चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें स्टेट्स कम है तो हम डायग्राम भी बना लेते हैं। तो इसमें लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। Q1 और Q0, ये हमारी दूसरी स्टेट है। ये हमारी पहली स्टेट है, ये चूंकि हमारी फाइनल है इसलिए इट विल बी अ डबल सर्किट। ठीक है, और पे आप कहाँ जा रहे हैं, ए पे आप यहाँ आ रहे हैं, बी पे आप यहीं पे ही रह रहे हैं। ठीक है, यहां से ए पे यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे लूप बैक कर रहे हैं, और यहां से आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इस तरह के हमने और एग्जाम्पल्स क्लास में की हुई है। अब जनाब एक लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वो है उसका नाम है कि भाई डीएफए के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ये डीएफए की बेसिकली फॉर्मल डेफिनेशन है। डीएफए बेसिकली के में एक जो कोई भी डीएफए होता है वो चंद पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। एक होता है क्यू, क्यू बेसिकली आपका होता है, मैंने क्यू लिखा है, ठीक है ना, इट इज क्यू। क्यू बेसिकली इज योर सेट, ठीक है ना, इज अ सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आपके डीएफए में होती हैं। इसके अलावा डीएफए में क्या होता है, इसके अलावा अल्फाबेट होता है, इनपुट अल्फाबेट होता है। ठीक है ना, ये क्या है, इनपुट अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। और एक चीज होती है आपकी क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या होती है आपकी, होती है स्टार्ट स्टेट एक होती है, स्टार्ट स्टेट होती है। ठीक है, फिर एक चीज होती है F. F क्या होता है, इट इज बेसिक सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑफ फाइनल
स्टेट ये स्टेट्स है और ये भी स्टेट्स होगा, इससे ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। अच्छा फिर एक चीज होती है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है ना, ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये क्या है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है ना भाई। अच्छा ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक स्टेट है Q2 और इधर से आपकी एक ट्रांजिशन जारी है Q3 में, ठीक है, और एक ट्रांजिशन जो जारी है उस पे लेबल है, तो इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि Q2 A और Q3 यानी Q2 पे अगर आप हैं किया तो आप कहां पे चले जाएंगे Q3, तो दिस इज बेसिकली योर ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, यानी कि एक इनपुट पे एक स्टेट पे रहते हुए आप एक स्टेट पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेट पे हैं और एक इनपुट है तो आप उस पे क्यू इसी इनपुट पे आप Q3 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं, Q1 पे भी जा, ऐसा नहीं हो सकता। EFA है तो एक स्टेट से एक इनपुट पर आप एक और स्टेट पर ही जा सकते हैं, ये नहीं है कि Q2 से आप Q2 पे भी वापस आ सकते हैं और Q3, ये चीज अलाउड नहीं होती DFA में, ठीक है ना, ये चीज है कि आप A के जरिए आप Q2 पे भी रह सकते हैं Q3 नहीं, ये चीज अलाउड नहीं होती DFA में, ये चीज NFA में अलाउड होती है, DFA में अलाउड नहीं होती, ठीक है ना, तो इस बात का आप एग्जाम में ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? एक स्टेट से DFA में एक इनपुट पर आप एक ही स्टेट पे जा सकते हैं DFA, NFA पे ये शर्त नहीं होती, ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ ही मैं अपनी ये वीडियो एंड करता हूं, उम्मीद है आपको ये रिवीजन सेशंस पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम, सी यू लेट।